आइए जी। देवव्रत जी के दुखद देहांत के समाचार सुनकर हम लोग सब स्तब्ध रह गए। किसे मालूम था कि इतनी जल्दी देवव्रत चले जाएंगे। हमने तो उसके बच्चे के रूप में देखा है, बहुत गहरा दुख हुआ। हमारे से तो रिश्ता भी था, लक्ष्मण सिंह जी मेरे छोटे भाई साहब की ससुराल रही खैरागढ़ में। आज उनके जिस कार्यक्रम में 13वीं में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये कांग्रेस के जो मंत्री हैं यहाँ के, उनसे केंद्रीय मंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। बार बार वो जाते हैं, मिलते नहीं उनके मां। ये अहम और अहंकार में डूबी हुई सरकार है, और जब अहम और अहंकार उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उनका अंत निश्चित है। ये मणिशंकर अय्यर का बयान आया है, मुगलों की जमकर तारीफ की है। जी, किसकी? मुगलों की जमकर तारीफ की है, मुगल शासक। हाँ हाँ, उन्होंने कहा है कि आपने किताब पढ़ी है, अत्याचार कभी आपने किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो काहे को पूछते हैं। अच्छा, ये सर बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है उस पर दे दीजिए। क्या दिया है? उन्होंने कहा कि सिकंदर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। सर सामने देखिए, और महिमा मंडन सिकंदर को महान बताया गया जबकि अशोक और चंद्रगुप्त को नहीं। बात ये है कि इतिहास और भूगोल, महंत योगीनाथ जी कृपया मोदी जी से ना पढ़ें।